मोड्यूल वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर फार्मोकोलॉजिकल एंड बिहेवरल ओके सो नाउ वी विल डिस्कसअ अबाउट द फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे हमें पता है इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसन्स जो हैं वो साइकेट्रिस्ट प्रस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें मूड स्टेबिलाईजर्स हो सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली मूड का इशू है समटाइम एंटीसीजन मेडिकेशन भी जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं लेकिन यूजली ये होता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो एंटीसीजर मेडिकेशन के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते तो वहाँ पर सर्टेन टाइम जो डॉक्टर्स हैं वो ए टिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो हैं उनको स्टार्ट कराते हैं इसके साथ साथ एंटी इन्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट जो है उसको भी यूज़ किया जाता है इन कम्बिनेशन और सर्टेन टाइम अलोन सो मेनली जो भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली सा जो हैं Uh, वही उसको uh, प्रिस्क्राइब करेंगे बट यू नीड टू बी आइडेंटिफाई अगर क्लाइंट आपके पास आया है डायरेक्ट और आपको लग रहा है कि वो मैनेजेबल नहीं है उसका प्रॉब्लम क्रॉनिक है या मॉडरेट लेवल का है और आपको uh, उसको साइकेट्रिस्ट को रेफर करने की ज़रूरत है तो यू शूड और अगर साइकेट्रिस्ट के थ्रू आपके पास आया तो डेफिनेटली दे ऑलरेडी लुक आफ्टर द टेक केयर ऑफ द मेडिकेशन देन वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर थेरेपी अब बिहेवियर थेरेपी के अंदर जैसे हमने बात की थी कि, कि कई एक टेक्निक्स हैं जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो कि बॉडी की एजिटेशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है आप उसको यूज़ कर सकते हो इसके साथ साथ एक्टिविटी स्केजुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमने जब भी बात की कि अगर कोई मैनिक एपिसोड है या हाइपोमैनिक एपिसोड है या डिप्रेशन की एपिसोड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है मसला ये होता है कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और रूटीन को वापस बच्चे को लेकर आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो डे है उसे स्ट्रक्चर किया जाए तो जो डे स्ट्रक्चर किया जाता है उसे हम एक्टिविटीजेडुल कह, कहते हैं जिसके अंदर आपने पर आवर के हिसाब से बताना है बच्चे को कि उसने पर आवर पे क्या करना है जैसे सुबह छः से नौ बजे तक सॉरी सुबह छः से सात बजे तक उसने क्या करना है फिर सात से आठ क्या करना है फिर आठ से नौ क्या करना है ठीक है तो इस तरह आप उसका पूरा डे जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और डिफाइन करने से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिविटीज़ जिनको वो छोड़ चुका था वो दोबारा से करना शुरू कर देगा देन एक और चीज़ जो हम बिहेवियर थेरेपी के अंदर बार बार जिक्र करते हैं दैट इज़ द सेल्फ री सेल्फ़ री क्या है चूँकि ऐसे बच्चों को यूँ फील हो रहा होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है उनको मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है वो इन्वामेंट से नहीं मिल रहा तो उनके उनको मैक्सिमम रिवॉर्ड इन्वायरमेंट से नहीं मिल रहा होता है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी वो एक्टिविटी करें उनको कंटिनज किया जाए किसी ना किसी रिवॉर्ड के साथ तो जब एक चीज़ उनको मिलना शुरू होगी ऐसी चीज़ जैसे उनको प्लेयर हासिल होगा तो so डेफिनेटली जो उनका बिहेवियर है वो अमेंड होना शुरू हो जाएगा और उनको अपनी लाइफ के ऊपर किसी हद तक जो ग्रेप है वो आ, आना शुरू हो जाएगी तो जो सेल्फ री इन्फोर्समेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप करेंगे क्या इसके अंदर आप यही करेंगे कि आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको पसंद है करना पसंद है ठीक है आ, या खाना पसंद है या सुनना पसंद है तो इस तरह डिफरेंट किस्म के जो टेंडेबल रीफोर्स हैं या आ, सोशल रीनफोर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो भी एक्टिविटी या एक्ट बच्चे को कहेंगे कि वो करे फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको ग्रेजुअल एक्सपोजर कराएं कि वो अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू करे तो हम ग्रेजुअल एक्सपोजर के अंदर क्या बात करेंगे हम उसे ये कहेंगे ओके यू नीड टू बी टॉक विद द वन पर्सन इन योर स्कूल ठीक है जो आपके साथ नेक्स्ट सीट पे बच्चा बैठा हुआ आपने उससे बात करनी है अब अगर वो उससे बात कर लेता है और वो हमें आके बताएगा कि उसने उससे बात कर ली है तो हम ये देखेंगे कि उसको उसके लिए री इन्फोर्सर क्या है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल द चाइल्ड नीड्स अ कलर बुक तो आप उसे वो कलर बुक जो है वो दोगे इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी री इन्फोर्सर आपने आइडेंटिफाई किए हैं जैसे ही बच्चा वो एक्ट करेगा तो आपने फौरी तौर के ऊपर उसको वो री देना है इसके साथ साथ कुछ ऐसी इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो बच्चा ख़ुद को भी दे सकता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नहीं इंटरक्ट करने की उसको लगता है कि वो नहीं इंटरेक्ट कर सकेगा और वो इंटरेक्ट कर लेता है तो हम ये भी कहते हैं कि वो सेल्फ प्रेस भी कर सकता है जैसे वेल डन आई हैव डन इट एंड इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो डू इट तो इस तरह की जो इंक्रेजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो बच्चा खुद को भी री के तौर पर दे सकता है या उसके टीचर्स जो हैं वो उसको सोशल री दे सकते हैं बाय स्टेटिंग दैट कि जी इट इज वेरी गुड दैट यू टॉक विद डैट गाय तो इस तरह करके जो उसकी जो प्रेस है uh, वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और सेल्फ इस्टीम को बेटर करने में हेल्प करेगी